दोस्तों, क्या आपने कोविड का वैक्सीनेशन करवा लिया है? अगर करवा लिया है तो आपका इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर नहीं करवाया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको इसको समझने का और अच्छा मौका मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे हमारी सारे न्यू फैक्ट की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है और यह हमारे शरीर में कैसे पनपता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है बेसिकली, जो कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बाद होता है। मतलब अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो आपको इससे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कोविड की वैक्सीन है, ब्लैक फंगस उसका एक साइड इफेक्ट है। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद ब्लैक फंगस किनको इन्फेक्टेड कर रहा है। मेरा सीधा मतलब ये है कि वैक्सीनेशन के बाद सभी को ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड नहीं करने वाला, कुछ ही लोगों को इन्फेक्टेड करने वाला। तो मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। दोस्तों, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वैक्सीनेशन तो आपको जरूर से करवाना है। देखो, सबसे पहले तो जो लोग शुगर पेशेंट है और उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है, उनको इस ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा है। और दूसरा, वैसे लोग जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है और इससे पहले किसी दूसरी बीमारी की काफी सारी दवाइयां खा चुके हैं, उनको ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके सिम्टम्स क्या है, मतलब वैक्सीनेशन के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों, वैक्सीनेशन के कुछ समय बाद जबड़ों में दर्द होना, नाकों में थोड़ी खिचखिचाहट महसूस होना और नाक से खून आना और सिर में दर्द होना और आंखों से धुंधला दिखना, ये सब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा कुछ यूनिक केस में ब्लैक फंगस का असर शरीर के कुछ दूसरे भागों में भी दिखाई दे जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ वैक्सीनेशन के बाद ब्लैक फंगस से बचा कैसे जा सकता है। स्पेशली जो शुगर वाले हैं, उन्हें अपना शुगर लेवल मेंटेन रखने की कोशिश करना है और उन्हें रेगुलर अपना शुगर लेवल और ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। उसके अलावा जो भी नॉर्मल लोग हैं, उन्हें अलग से कोई इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयाँ नहीं लेनी है। और अगर आप इसके अलावा कोई दूसरी बीमारी की दवाइयाँ खा रहे हो तो डॉक्टर की सलाह से उसे कुछ टाइम के लिए बंद कर देना है, या तो डॉक्टर की सलाह से ही खानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसी तरह की और नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना। मेरी सारी न्यू फैक्ट की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी।